नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ इमरान खान। अभी हमारे साथ बात करने के लिए तैयार है कार्यपालक सहायक संघ के जिला सचिव पुष्कर राज। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज से लगातार 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर है, तो आइए हम बात करते हैं क्या वजह है विशेष अवकाश पर जा रहे हैं। सबसे पहले एमके न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप बताएंगे कि जो आपके कार्यपालक संघ है और जो समूह है उनके द्वारा 3 दिवसीय अवकाश किया जा रहा है। जी, तो अवकाश पर जा रहे हैं आप लोग, क्या वजह है इसका? इसका मुख्य वजह है कि कार्यपालक सहायक संघ के लिए जो भी उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया है, निर्णय के उपरांत सरकार को निर्णय सौंप भी दी गई है, परंतु अभी तक सरकार के द्वारा उसे लागू नहीं किया गया है, और जिस कारण से कि हम सभी कार्यपालक सहायकों का नियमितीकरण, सेवा पोस्ट एवं अन्य सारे मुद्दे अभी तक लटके हुए हैं। जैसा कि आप लोग जो सभी लोग जा रहे हैं 3 दिवसीय अवकाश पर जा रहे हैं, तो ऐसे में तो ज्यादातर मैं मान सकता हूं कि जितने भी विभागीय है जिसमें कार्यपालक सहायक है, तो इससे जो सरकार को और जो विभाग के अभिन्न अंग माने जाते हैं अगर हड़ताल पे चले जाते हैं, तो इससे तो बहुत ज्यादा बाधित हो जाएंगे जो कार्य। जी, अभी बिहार में लगभग में 30 से 40 डिपार्टमेंट में हमारे कार्यपालक सहायक बंधु कार्य करते हैं, और उनके द्वारा कार्यालय के सभी कार्य को समय से किया जाता है। जैसे कि लोक शिकायत निवारण, RTPS, आपूर्ति, बिजली डिपार्टमेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना, खासकर हमारे पंचायती राज विभाग, इन सभी डिपार्टमेंट में हमारे कार्यपालक सहायक काम कर रहे हैं। अगर तत्काल ये 3 दिन कार्य को बंद करते हैं, तो इनसे जितने भी कार्य है आम जनों से संबंधित, वो कार्य बाधित होता है। यानी कि अवकाश पर जाकर करके अभी सरकार के द्वारा जो आप लोगों की डिमांड थी पहले, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो आप अवकाश पर जा रहे हैं ताकि प्रेशर दिया जा रहा है कि आप हमारी मांगों को पूरा करें। जी, तो जैसे मांगों में क्या था आप लोगों का, जो स्टार्टिंग में जो आपके राज्य स्तरीय कमेटी है उन लोगों ने जो डिमांड किया हो और जो एक संगठन बना कर करके आप लोगों की डिमांड है, कुछ ऐसा डिमांड जो है? सबसे पहला है हम लोगों की नियमितीकरण। जी, इसके बाद तत्काल हमारे ढेर सारे विभाग में जो कार्यपालक सहायक है, अभी तक वेतन विसंगति कर किसी विभाग में कुछ सैलरी मिल रही है कि वेतन विसंगति? जी, किसी विभाग में कम सैलरी मिल रही है, किसी विभाग में ज्यादा मिल रही है। हम लोगों का कहना है कि हम सभी कार्यपालक सहायक हैं, तो सबको एक समान एक तरह का लाभ मिले, मतलब एक तरह का समान वेतन होना चाहिए जितने भी कार्यपालक जी जो संकेत जितने भी है। जी, अगर सरकार के द्वारा इस चीज को अभी नकार दिया जाता है, क्योंकि सामने अभी विधानसभा इलेक्शन भी है, तो इस परिस्थिति में आप लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? इस परिस्थिति में अगर सरकार के द्वारा हम सबों की मांग को पूरी नहीं की जाती है, तो हमारे राज्य स्तर कमेटी की जो भी आगे का निर्णय होगा, जो भी रणनीति होगी, उसके तहत हम लोग आगे के बारे में कोई भी कार्रवाई करेंगे। आपने सुना पुष्कर राज को, जो कार्यपालक संघ के सचिव है जो जिला सुपौल के है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर हमारी बातों को सरकार नहीं मानती है, तो हम लोग राज्य स्तरीय कमेटी जो निर्णय करेंगे, तो उसके अनुसार हम लोग फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, आगे की रणनीति हम लोग तैयार करके करेंगे। बात यहाँ पर होती है कि अगर एक कार्यपालक अगर अपने काम पर नहीं जाते हैं और अवकाश पर रहते हैं, तो जो विभागीय अभिन्न अंग है माना जाता है कार्यपालक को, तो बिल्कुल ही बाधित हो जाएंगे और इससे ठप हो जाएगा। क्या लगता है सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? हम आपकी भी राय जानेंगे। बने रहे एमके न्यूज इंडिया के साथ। इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।